इन बर्फियों को बनाने के लिए हम यहाँ पर आधा कप दूध लेंगे। ये दूध मैंने यहाँ पर बचा लिया है, ज़रूरत पड़ेगी तो मैं बाद में डाल लूँगी। और 200 ग्राम मिल्क पाउडर लेंगे। अब इसको अच्छे से मिलाएंगे। अभी हम गैस को ऑन नहीं करेंगे, नहीं तो मिल्क पाउडर और दूध में मोटे मोटे से लम्स बन जाएंगे और आप इसको कवर नहीं कर पाओगे। तो इसलिए गैस को ऑन करे बिना इसको अच्छे से हम फेंट लेंगे। अब हम गैस को ऑन कर लेंगे। थोड़ी देर के बाद ये इतना पतला हो जाएगा, तब हम इसमें 2-3 टेबलस्पून चीनी डाल देंगे। चीनी हम यहाँ पर कम इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि जो मिल्क पाउडर होता है वो पहले से काफ़ी मीठा होता है, और अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हो तो आप थोड़ा सा मीठा यहाँ पर एक्स्ट्रा भी डाल सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर ओनली 2-3 टेबलस्पून चीनी ही डाल रही हूँ। गैस का फ्लेम हम लो टू मीडियम ही रखेंगे और इसको एकदम थिक कर लेंगे। जब तक ये जमने वाली कंसिस्टेंसी में ना आ जाए, इसको कंटिन्यू चलाते रहेंगे। अब ये जमने वाली कंसिस्टेंसी में आने लगा है, बस अच्छे से ये जो हमारा कोंचा है उस पर अच्छे से लिपट रहा है, यानी कि ये जमने वाली कंसिस्टेंसी में परफेक्ट आ चुका है। अब मैं इन बर्फियों को जमाने के लिए एक जो सोन पपड़ी का डब्बा आता है, मैं उसी को ले रही हूँ। तो जो हमारा ये बैटर है, जो मिश्रण है, हम इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से फैला देंगे। इस टाइम ये इतना ठंडा हो चुका है कि आप इसको अच्छे से टच कर पाओगे। तो इस तरह से आप इसको ऊपर से एकदम इवन कर लें, इस तरह से। और अब हम इसको जमने के लिए 8 से 10 घंटे के लिए छोड़ देंगे, और 8 से 10 घंटे के बाद इसके पीस कट करेंगे। और ये देखिए, बहुत ही बढ़िया सा इनमें कलर आया हुआ है।